राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के सौजन्य से वार्ड वासियों के लिए नगर सेवक और जनप्रतिनिधियों ने कई अच्छे कार्य करना शुरू कर दिए हैं। हनुमान नगर में एक ऐसे ही एक प्रयास लोगों की सेहत को ध्यान में रखते ओपन जिम की शुरुआत की गई है। आइए लेते इस पर अधिक जानकारी। मेरे बस्ती में जिम लगा के बहुत भारी कार्य किए, समझिए उनको धन्यवाद बताता हूँ। कमलिक शिक्षा हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे इधर रोड आप बनाए, बाथरूम भी बनाए, लेडीज लोग का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन आपने वो सब सुविधा हमारे लिए किए। अब आप कुछ ही दिन में हमारे रोड का भी काम कर देंगे, लेकिन जिम ये सब हमारे बस्ती में काफी सारे प्रभाव लाए हैं कमलेश निकम जी ने। हम इनका दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हनुमान नगर वासियों, देशमुख नगर वासियों, दुर्गा नगर वासियों और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से कमलेश निकम जी का और अन्य बाकी के सभी प्रभुलानी जी यहाँ खड़े हैं, दुर्गा राय जी खड़े हैं और हमारे सुधीर सिंह जी खड़े हैं, इन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्रयत्न किया जिससे कि हनुमान नगर की महिलाएं व पुरुषों के, वृद्ध महिलाओं पुरुषों का स्वास्थ्य के विषय में उन्होंने ध्यान रखते हुए यहाँ पर ओपन जिम का एक नींव यहाँ रखी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो गहराई से उन्होंने सोचा उसका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही आने वाले दिनों के लिए मैं उनको और उनकी पूरी टीम को शुभेच्छा देता हूँ। आज जो प्रभाग क्रमांक 10 में हनुमान नगर में ओपन जिम, लोग यहाँ पर सुबह वॉकिंग करने आते हैं और वॉकिंग करने के लिए हमारे श्रम क्षेत्रों में जो सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़कों का निर्माण तो हमने किया है, शौचालय तो बनाए हैं, पर उसी के साथ साथ लोगों की मांग थी यहाँ के प्रभाग के कि हम जब सुबह वॉकिंग करते तो हाई प्रोफाइल एरियो के शहर में, हाई प्रोफाइल इलाकों में तो ओपन जिम है पर हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं, ऐसे लोगों का सवाल था। वो सवालों का जवाब देते हुए हमारी यहाँ के स्थानिक नगर सेविका शुभांगी निकम इनके प्रयत्नों से आज यहाँ पर हम सभी साथियों ने यहाँ पर मिलकर उद्घाटन किया है। तमाम दुर्गा नगर, देशमुख नगर, हनुमान नगर के तमाम साथियों ने, मेरी माता बहनें बच्चों और सभी नेताओं ने मिलकर आज यहाँ पर हमने उद्घाटन किया है। और यही मेरी चाहत है कि जिस तरीके से रमाबाई अम्बेडकर नगर में ओपन जिम, आज़ाद नगर में ओपन जिम और अब हनुमान नगर में ओपन जिम, आने वाले दिनों में हम भैया साहब अम्बेडकर नगर में भी ओपन जिम देकर वहाँ के भी लोगों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए। वो सब कार्य करते हुए बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने मुझे 5 साल तक सहयोग दिया है। जो भी चुनाव के हमने वादे थे वो वादों को पूरा किया। LED लाइट्स हो, सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़क हो, शौचालय का निर्माण हो, पानी की जो समस्या थी वो समस्याओं को छुटकारा देने के लिए देशमुख नगर के लोगों को पानी और रामदेव नगर के लोगों को पानी देने का काम किया। और आज जो थी ये काम कभी से मैं कर पाता, पर इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो मूलभूत सुविधा है, जो सीमेंट कॉन्क्रीट की सड़कें और पानी और शौचालय, वो तीन देने के बाद में ओपन जिम का, जैसे कि हमारे प्रभाग के तमाम साथियों का स्वास्थ्य अच्छा हो, वो जिम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे, इसके लिए आप सभी लोगों की मांग पर आज मैंने प्रभाग क्रमांक 7 हनुमान नगर में ओपन जिम का उद्घाटन किया। जिस तरीके से प्रभाग के सभी लोगों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बरकरार रखा है, वैसे आशीर्वाद बरकरार रखे और आप लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद बरकरार रखे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।